हर गृहिणी का सवाल, क्या बनाऊं आज, क्या बनाऊं। तो आज हम बनाते हैं छोले भटूरे। छोले भटूरे बनाने के लिए मैंने 1.5 कप चने रात भर पानी में भिगो दिए हैं। भटूरे बनाने के लिए ये मैंने लगभग 750 ग्राम मैदा लिया है और उसमें मैंने 500 ग्राम के आसपास दही डाला है। साथ में मैंने डाला है नमक 1 चम्मच और लगभग 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और लगभग 1 कप के आसपास पानी लेकर थोड़ा थोड़ा मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार किया है। इस डो को हमने अच्छे से मल लेना है और उसके बाद जब हमारा डो लगभग रेडी होगा तो हमने 1 टेबलस्पून के आसपास रिफाइंड ऑयल इसमें डाला है और फिर से इस डो को अच्छे से मल लिया है। अब इस डो को कम से कम 5-6 घंटे के लिए हम एक गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। इधर चने हमारे भीग चुके हैं, इसमें 1 चम्मच नमक 1 पिंच बेकिंग सोडा का डालकर बॉईल कर लेंगे। 1 विसल आने के बाद गैस को स्लो कर देंगे और लगभग 1/2 घंटा हम इसे बॉईल कर लेंगे। एक बर्तन में 1 चम्मच चाय पत्ती को हम लगभग 1 गिलास पानी में बॉईल कर लेंगे। उधर चने हमारे गल चुके हैं, इसमें हम जो हमने चाय पत्ती वाला पानी बॉईल किया है वो मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे चनों का रंग, छोले का रंग बिल्कुल काला आ जाए। चनों को हल्की आंच पर हम उबलने देंगे। इधर हमारा भटूरे का डो भी तैयार हो चुका है। इसको एक बार दोबारा हम हल्का सा हाथ में तेल लगाकर मल लेंगे, अच्छी तरह से मल लेंगे और उसके बाद हम इस डो से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर रख लेंगे। बॉल्स को हमने कम से कम 10-15 मिनट के लिए कपड़े से ढककर रख देना है। तब तक हम अपने चने तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच हमने तेल लेना है और उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और तेजपत्ता और साथ में 2-3 साबुत लाल मिर्च की डालेंगे। अच्छी तरह से इन्हें पका लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 5 से 6 चम्मच हम डालेंगे अमचूर पाउडर के और साथ में डालेंगे हम 1 चम्मच किचन किंग मसाला। इन सब मसालों को हमने अच्छी तरह से पका लेना है। जब मसाले हमारे पक जाएंगे तो उसमें हम डालेंगे लंबी कटी हुई 4-5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, आप चाहें तो अदरक लंबा काट कर भी डाल सकते हैं। इन सब को हमने अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद चनों से पानी अलग करके हमने इसमें चने मिक्स करने हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चनों का पानी डालेंगे और धीमी आंच पर पकाते रहेंगे। भटूरे के लिए बॉल्स बनाए हुए हमें 10-15 मिनट हो चुके हैं तो अब हम भटूरे बनाना शुरू करते हैं। भटूरे बनाने के लिए हमने सूखे आटे या मैदे का बिल्कुल यूज नहीं करना है। हम तेल लगाकर कुछ इस तरह से भटूरे को बढ़ाते जाएंगे। आप चाहें तो बेलन का भी यूज कर सकते हैं। एक कढ़ाई में तेल को तेज गरम करके हम भटूरे को तल लेंगे। भटूरा पूरा फूलने से पहले ही हमने पलट देना है। दूसरी तरफ से भी भटूरे को अच्छी तरह से तल लेंगे। छोले भी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। गर्मा गर्म भटूरे और छोले सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप इन्हें कच्चे प्याज, आम की चटनी के साथ सर्व करिए। कितनी आसानी से आपके छोले भटूरे तैयार हो गए हैं। जो भी खाएगा वही आपकी तारीफ करेगा।